हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल ऐप। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पोलेरीमीटर को डिस्कस किया था, ध्रुवणमापी को, और हम लोगों को क्या पता चला। मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ लास्ट लेक्चर का। हमने ये पढ़ा है कि एक ऐसी मशीन, एक ऐसी युक्ति जिसकी हेल्प से हम लोग थीटा कोण का मेजर करते हैं, कोण का मेजरमेंट करते हैं, और वो कौन सा कोण, प्रकाश सक्रिय माध्यम जब समतल ध्रुव प्रकाश को जितने कोण से घुमाता है तो उस एंगल का मेजरमेंट करते हैं हम लोग। तो वो जो एंगल है उसका मेजरमेंट करने वाली जो डिवाइस है वो ध्रुवणमापी हो गया, पोलेरीमीटर। अब पोलेरीमीटर के हमने पार्ट्स देखे थे कि क्या क्या पार्ट होते हैं, और वो अपने पढ़ लिए थे कि इसका पोलराइजर होता है, एक तो ध्रुवक होता है, एक होता है एनालाइजर होता है, एक विश्लेषक होता है, वहाँ पे पैमाना होता है, एक स्केल लगा होता है सर्कुलर, और इसके अलावा हमने उसमें एक ग्लास ट्यूब भी काम में लिया था, कांच की नली वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, वो मेन मेन पॉइंट्स थे। उसके बाद में हमने बोला कि ये इससे क्या होता है, इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, इसका कैसे काम करता, वो पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि जैसे नॉर्मल जो मैंने डायग्राम में बनाया था वो वाला ध्रुवणमापी क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता इन द सेंस वो एरर देता है, त्रुटि देता है, 2 से 5 डिग्री तक की त्रुटि दे देता है कि घुमा तो है, जैसे मान लो उसने प्रकाश सक्रिय माध्यम ने तो 25 डिग्री घुमाया और वो आंसर देगा आपका 20 से 30 के बीच में देगा आंसर, मतलब एरर दे रहा है, कुल मिला के बात ऐसी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस एरर को दूर करने के लिए एक प्लेट काम में लेते हैं, और वो प्लेट किधर लगाते हैं हम लोग, वो प्लेट लगा देते हैं हम लोग ये जो प्रकाश सक्रिय माध्यम है, ये जो ट्यूब है ग्लास ट्यूब, और ये जो ध्रुवक का पोलराइजर, इन दोनों के बीच में एक प्लेट काम में लेते हैं। उससे क्या होता है, उसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है। सुग्राहिता बढ़ने का मतलब वो अच्छा एफिशिएंट हो जाता है, एरर कम कर देता है। तो इसके लिए एयर प्लेट के बेस पर हम लोगों ने इसको 2 टाइप की प्लेट लगाते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने इसको 2 टाइप के ध्रुवणमापी बोल दिया। पहला जो है वो लोरा का अर्धछाया ध्रुवणमापी है, लॉरेंस हाफ शेडेड पोलेरीमीटर, और दो सेकेंड वन है वो द्विक्वार्ट्ज ध्रुवणमापी है, बाइक्वार्ट्ज पोलेरीमीटर। हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। मैं इस पार्ट के अंदर पहले ये डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, लोरेंस, नो। अब लोरेंस हाफ शेडेड पोलेरोमीटर है, उसका क्या सीन है सुनना। लारा वाले के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक, इसमें बोला गया कि एक कांच की एक प्लेट काम में लेते हैं, वो प्लेट कहाँ पे लगाते हैं, उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए ग्लास ट्यूब और ध्रुवक के बीच में लगाते थे। अब वो जो कांच की प्लेट है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ शेडेड डिवाइस, इसको बोलते हैं अर्ध छाया या छायांकित अर्ध आवरण युक्ति भी बोलते हैं इसको, अर्ध आवरण युक्ति, इसको HSD लिखता हूँ मैं, इसको शॉर्ट में HSD बोलते हैं। तो अर्ध आवरण युक्ति या अर्ध छाया युक्ति जो है वो कैसे बनाते हैं, मतलब लोरा ने जो क्या काम में लिया, उसने जो प्लेट में बता रहा हूँ ना, वो प्लेट कौन कैसी काम में ली, हाफ शेडेड डिवाइस काम में ली उन्होंने जो प्लेट काम में ली उसको बोलते हैं अर्ध छाया युक्ति या अर्ध आवरण युक्ति, इसको सिंपली HSD बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये HSD की संरचना कैसे है, मतलब ये कैसे बनाते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, संरचना, मैंने पॉइंट लिख रखे हैं इसके अंदर नोट्स में, सब कुछ लिख रखा है, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर समझ लो आप, इसका संरचना कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इन्होंने क्या किया, सेम रेडियस का एक अर्धवृत्ताकार मैंने क्या ली, एक हाफ वेव प्लेट का मतलब क्या होता है,
अर्ध तरंग प्लेट, ये मैंने पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। ये क्या करता है, इसमें जब लाइट आती है तो ये लैम्डा बाई टू का पथांतर, पार डिफरेंस या पाई का कलांतर, पाई का फेज डिफरेंस उत्पन्न कर देता है। इतना फेज डिफरेंस या इतना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है ये। तो एक तो हाफ वेव प्लेट ले लिया, और वो भी वृत्ताकार रूप में, आधा अर्धवृत्ताकार रूप में, हाफ सर्कुलर हाफ वेव प्लेट ले लिया। दूसरा एक ये क्वार्ट्ज का लेते हैं जनरली, किसका लेते हैं, क्वार्ट्ज का, ठीक है। दूसरा एक अर्धवृत्ताकार ले लिया, वो भी समान त्रिज्या का, सेम रेडियस का। दूसरा क्या लिया हमने, अर्धवृत्ताकार लिया है, सेमी सर्कुलर ऐसा, ठीक है, सेमी सर्कुलर। लेकिन ये नॉर्मल कांच की प्लेट है, ये नॉर्मल कांच की प्लेट है, सिंपल ग्लास का है ये, क्वार्ट्ज कैल्साइट उस टाइप का नहीं है, कोई द्विअपवर्तक माध्यम नहीं है, दिस इज नॉट ए द्विअपवर्तक माध्यम नहीं है, ये डबल रिफ्रेक्टिव मीडियम नहीं है, दिस इज नॉट ए डबल रिफ्रेक्टिव मीडियम। अब देखिए इसको थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, इसको अब दोबारा बनाता हूं मैं। इसमें क्या है, एक सेकेंड, ये तो कैसा है, हाफ वेव प्लेट वाला, दिस इज हाफ वेव प्लेट, और ये कैसा है, ये सिंपल ग्लास सामान्य कांच है। और इसका जो प्रकाशिक एक्सिस है, प्रकाशिक एक्सिस मतलब ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस तो होता ही है, इसका ऑप्टिकल एक्सिस है ऐसे, मतलब ये क्या है, आधी प्लेट ये है, आधी प्लेट ये है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं ऐसे व्यास के, इनके दोनों के व्यास को मैंने चिपका दिया, ठीक है, ये इन दोनों के डायमीटर को मैंने चिपका दिया, ठीक है। ये इसको ए से लिख, ए ये ओ पॉइंट ले लो सेंटर, और ये बी पॉइंट ले लिया, ठीक है, क्लियर है। और इनका जो ऑप्टिकल एक्सिस है, प्रकाशिक एक्सिस है, वो भी ऐसे ही है, प्रकाशिक एक्सिस जो है इसका वो ऐसे ही है, ये ऑप्टिकल एक्सिस, प्रकाशिक एक्सिस भी ऐसे ही है, ठीक है, इसी तरीके से, इस तरीके से मतलब इसके पैरेलल, ठीक है। तो इसकी संरचना कैसी हुई, संरचना में देखो क्या क्या पॉइंट लिखवाया मैंने, दोबारा देखते हैं। पहला पॉइंट तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पहला पॉइंट, दो अर्ध वृत्ताकार कांच की प्लेट लेते हैं समान त्रिज्या की, एक तो सामान्य कांच की प्लेट है और दूसरी एक अर्ध तरंग प्लेट है जो कि क्वार्ट्ज की बनी हुई है, हाफ वेव प्लेट है जो कि क्वार्ट्ज का है, ठीक है। ये हो गया दो पॉइंट, दोनों के रेडियस क्या है, सेम है, ये डिटेल लिखी हुई है, और उसके अलावा क्या, इनको ऐसे व्यास के रूप, दोनों के व्यास को ऐसे कनेक्ट करा दिया, जोड़ दिया हमने ये, और इनका जो प्रकाशिक एक्सिस है वो ऐसे हैं, इनके व्यास के पैरेलल है, व्यास के समांतर है, ठीक है, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं कि फलक के समांतर है, इनके फेस के पैरेलल है, क्लियर है। चलिए अब क्या करें, अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, इसकी संरचना समझ में आ गई, अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, इसका वर्किंग, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं लॉरेंस हाफ शेडेड जो पोलेरीमीटर है वो पढ़ रहे हैं, ये वाला लोरा का अर्ध छाया ध्रुवण मापी, इसको अर्ध छाया अर्ध आवरण भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो एक प्लेट काम में लेते हैं बीच में, तो वो जो प्लेट बना रहे हैं हम लोग कुल मिला के बात ऐसे, वो प्लेट को बोलते हैं हम लोग अर्ध छाया युक्ति या हाफ शेडेड डिवाइस, HSD बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है, या अर्ध आवरण युक्ति भी बोलते हैं, क्लियर। अब इसकी जो इसका कंस्ट्रक्शन है, संरचना देखो इसकी, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दो अर्ध वृत्ताकार प्लेट लेते हैं, एक तो हाफ वेव प्लेट होता है अर्ध तरंग प्लेट, और एक कांच का, सिंपल कांच का प्लेट होता है, ठीक है, हाँ, और दोनों की त्रिज्या बराबर होती है, रेडियस बराबर होती है, इनके व्यास को चिपका देते हैं, इनका ऑप्टिकल एक्सिस होता है, प्रकाशिक अक्ष ऐसे समांतर होता है, ठीक है। और एक और पॉइंट था, इनकी मोटाई जो है इस तरीके से लेते हैं, इनकी मोटाई, जरूरी नहीं कि दोनों की मोटाई समान ले, इक्वल, हाँ, कांच की मोटाई भी, इसकी मोटाई और इसकी मोटाई के दोनों प्लेट की मोटाई बराबर होती है, जरूरी नहीं है, मोटाई इस तरीके से लेते हैं कि जो लाइट आ रही है ना
इसके अंदर से लाइट गुजरती है, ये जितना अवशोषण करता है उतना ही अवशोषण ये करे, ये जितना एब्जॉर्ब करता लाइट को उतना ही एब्जॉर्ब ये करे, तो दोनों की जो थिकनेस है उस तरीके से सेट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं इसकी वर्किंग, कार्य प्रणाली कैसे कार्य करता है। तो वर्किंग देखो भैया इसकी, हाँ ऐसा, पहला पॉइंट तो हम लोग ये समझते हैं क्या कि जैसे मान लो लाइट आ रहा है, ये प्रकाशिक एक्सिस है, इसमें प्रकाशिक एक्सिस भी ऐसे ही है एक तरीके से, लाइट आ रही है और वो लाइट है, मैंने ऐसे मान लिया कि प्रकाशिक एक्सिस से थीटा कोण बनाते हुए लाइट आ रही है। जैसे कैसे हम लोग इसको लगा रहे हैं यहाँ पे, इस निकोल प्रिज्म और इस प्रकाश सक्रिय माध्यम के बीच में लगाएंगे, ठीक है, बीच में लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे सेट कर दिया मैंने इसको, ये मान लो यहाँ पे सेट कर दिया, तो एक बार रुको देखो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ठीक तरीके से बनाऊंगा, इनको थोड़ा जगह बना के फिर मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग से है। देखो यहाँ पे सेट करना बीच में, मैं थोड़ी जगह खाली कर लेता हूँ यहाँ पे एक तरीके से, एक सेकेंड, ऐसा है ना, ये मैंने प्लेट लगा दी और इस प्लेट का जो एक्सिस है वो एक्सिस है ये, एक तरीके से ये प्रकाशिक एक्सिस है, एक तरफ का पार्ट ये क्वार्ट्ज का है और ये ग्लास का है, जो बाकी बच गया आधा भाग अर्धावृत जो ग्लास का है। अब यहाँ से जो हमारे पास में समतल ध्रुवित प्रकाश आ रहा है यहाँ पर कैसा, प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि मान लो कि ये जो एक्सिस है और इस प्लेन पोलराइज लाइट है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा है, मतलब इसके और इसके बीच में एंगल कितना, थीटा है, ऐसे मान के चल रहे हैं, मतलब ऐसे कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है इधर से, ये इधर से जो भी प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है वो मान लो इस एक्सिस के साथ में, प्रकाशिक एक्सिस के साथ में थीटा कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, मतलब इसके साथ में थीटा कोण बनाते हुए ऐसे आपतित हो रही है, ये थीटा एंगल बनाते हुए आ रही है। ये पहला है कार्य विधि में, वर्किंग में। तो हमने पहला ये माना कि ये थीटा कोण बनाते हुए आ रही है, ठीक है, चलिए इतनी बात तो हम लोग इसमें मान लिए, थीटा कोण बनाते हुए आ रही, इसको बोल दिया मैंने। तो इसका जो कंपन है एक तरीके से, जो आपतित किरण है, समतल जो ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसका कंपन है ये, कंपन तल कौन सा हो गया, जैसे इसको ओ ले लो, इसको पी ले लो, तो ओपी में इसका क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या वाइब्रेशन ओपी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब एक बात समझना, ये तो है सिंपल कांच, सिंपल ग्लास है, और ये है हाफ वेव प्लेट, ये सिंपल ग्लास से आधी ये इधर वाले हिस्से से तो तरंग जैसी आई है वैसी की वैसी निकल जाएगी किरण, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल ग्लास है तो जैसे आ रही थी वैसे के वैसे चली जाएगी। तो सेकंड पॉइंट ये होगा, पहला पॉइंट तो ये ले लिया कि हमने क्या इसको थीटा एंगल से आपतित करा दिया, इसको प्रकाशिक अक्ष के साथ में थीटा एंगल से इंसिडेंट करवाया। सेकंड पॉइंट, इस ग्लास वाले पार्ट से तो जैसे आई थी वैसे के वैसे चली जाएगी उसी डायरेक्शन में, लेकिन ये जो है ये हाफ वेव प्लेट है, ये वाला क्वार्ट्ज वाला जो पार्ट है ये कैसा है, हाफ वेव प्लेट है, ये अर्ध तरंग पट्टी का है। तो हाफ वेव प्लेट या अर्ध तरंग पट्टी का से जब लाइट गुजरती है तो क्या होता है, क्योंकि अर्ध तरंग ये हाफ वेव प्लेट है अर्ध तरंग पट्टी का है, तो एक तो एक क्वार्ट्ज का बना हुआ, तो क्वार्ट्ज द्वि अपवर्तक माध्यम है, द्वि अपवर्तक माध्यम है, डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम है, तो डबल रिफ्रैक्टिव मीडियम पर जब लाइट आती है तो क्या होता है, वो लाइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कौन कौन से में, एक तो ई रे में एक ओ रे में, पढ़ा ना हमने, तो अब यहां से कहानी समझना। पहली चीज तो ग्लास वाले से तो सीधी सीधी चली जाएगी,
तो ग्लास वाले हिस्से से तो सीधी सीधी ओपी चला गया, ये मान लो कि जैसे आया था वैसा का वैसा। तो मैं ग्लास वाले हिस्से का तो मैं एक बार साइड में इधर बना देता हूँ कि ग्लास वाले हिस्से से जो आया वो तो ऐसा का ऐसा चला गया, ये ओपी। ये ग्लास वाले हिस्से का मान लो आप कि ये जो कांच का अर्ध भाग है इससे तो ऐसे कैसे लाइट चली गई, तो फाइनल जाके आगे जाके मुझे इस तरीके से मिलेगा। लेकिन ये जो हाफ वेव प्लेट है उसकी वजह से क्या होगा, बाकी के ये जो है इसमें हाफ वेव प्लेट की वजह से क्या असर होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो ओ रे में एक ई रे में। ओ रे और ई रे में जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, कैसे डिवाइड होता है इस चीज को समझना आप। ओ रे ई रे जो हमने पहले पढ़ा था उसी से आइडिया बता रहा हूं यहां पे। ये जो लाइट है ई रे और ओ रे में डिवाइड होगी, तो ऑप्टिकल एक्सिस ये है, प्रकाशिक अक्ष ये है, प्रकाशिक अक्ष की दिशा में तो ई रे बनता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और इसके लंबवत दिशा में जो है वो ओ रे बनता है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओ रे, इधर ओ रे आ जाएगा। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो ई रे में एक ओ रे में। प्रकाशिक अक्ष के साथ में जो रहता है वो ई रे होता है, उसके परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में जो होता है वो ओ रे होता है, सॉरी ये ई रे होता है ये ओ रे होता है, क्लियर है। अब देखो इतनी बात समझ में आएगी, लेकिन एक और चीज, हाफ वेव प्लेट जो है वो कलांतर पाई बाई टू का, सॉरी पाई का उत्पन्न कर देता है। जो फेज डिफरेंस है कितने का क्रिएट करता है, वो पाई का कलांतर उत्पन्न कर देता है, पाई का फेज डिफरेंस भी ला देता है उसके अंदर ई रे और ओ रे के बीच में। तो ई रे में तो ई रे तो प्रकाशिक अक्ष की दिशा में, ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ओ रे के अंदर पाई का कलांतर आ जाएगा, पाई का फेज डिफरेंस आएगा। तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में तो फ्लिप होके इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये पहले इस डायरेक्शन में है तो ये पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री का कलांतर, तो ये इधर है तो ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे होके ऐसे आ जाएगी। तो मैंने डायग्राम बना रखे हैं इसके अंदर, पहले ये ऐसा था, पहले कैसा था, ई रे और ओ रे के बारे में बात करें तो ये ई रे है यहाँ पे और ये ओ रे है, ये ओ पी, ये थीटा। तो इसमें ये ओ रे और ये ई रे, ई किरण और ओ किरण। अब पाई का कलांतर आने की वजह से क्या होगा, पाई का फेज डिफरेंस आने की वजह से क्या होगा, ये ओ पी दिस इज थीटा, ये आने की वजह से ये जो इधर था ओ रे वो ओ रे आ जाएगा इधर, और ई रे तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि ई रे प्रकाशिक अक्ष की दिशा में है, ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में, और ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में चेंज होता नहीं है, ये हमने पहले एक सिद्धांत में पढ़ा था, द्विअपवर्तन का सिद्धांत हाइगेन का, तो हाइगेन का जो थ्योरी था उसमें पढ़ा था। तो ओ रे इधर आ गया, ई रे ऐसा है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ई रे और ओ रे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में मिलता है, और वो इस तरीके से मिलता है कि ये जो इतना एंगल है उतना एंगल इधर बन जाता है, ये इस तरीके से मिलता है। तो फाइनली क्या हुआ, हमारे पास में इस ई रे और ओ रे इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट वेव मिला है वो मिल गया इस तरफ, ये ओ, इसको ओ है और ये इसको क्यू बोल लो, ओ क्यू मिल गया, जो कि इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, क्लियर है। तो हमारे पास में दो किरणें मिल गई, एक तो ओपी जो कि पहले मिल रही थी, एक ओक्यू और मिल गया, जो कि ओक्यू क्यों मिला है, ओक्यू उस हाफ वेव प्लेट वाला जो अर्ध हिस्सा है, जो हाफ सेमी सर्कल है क्वार्ट्ज वाला, उसकी वजह से मिला है, क्योंकि उसकी वजह से ई रे में और ओ रे में ब्रेक हो गया और फाइनली अपने को ये मिल गया। तो दो किरणें मिलेगी, एक तो समतल ध्रुवित प्रकाश ये, एक समतल ध्रुवित प्रकाश ये, एक प्लेन पोलराइज लाइट ये, एक प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे। तो दो प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई अपने को, एक तो ये ऐसे जो पहले बना दी थी मैंने, जो कि नॉर्मल ग्लास से निकल रही थी, ये सामान्य ग्लास वाला भाग था ना, ये आधा कांच का भाग, उसकी वजह से तो ये ओरे मिलता है, और इधर वाला जो पार्ट है उसकी वजह से मुझे क्या मिलता है, उसकी वजह से मुझे मिलता है ये वाला ओ
क्यू वाला पार्ट, ये ओ क्यू जो मिला है लास्ट में, अभी जाके जो पता चला ओ क्यू, तो ये दोनों मिल गए और दोनों एंगल बना रहे हैं, इससे ये भी थीटा और ये भी थीटा। इतनी बात समझ आई? एक बार मैं टाइम देख लूँ, फिर मैं थोड़ा सा इसको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 10 मिनट है अभी अपने पास, मैंने क्या पढ़ाया सुन लो वापस से, थ्योरी है, फुली थ्योरी है, लिखा हुआ सब कुछ नोट्स के अंदर, सुन लो आप। तो जो लोरा का अर्ध छाया ध्रुवण मापी है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग दो अर्धवृत्ताकार पट्टिकाएं लेते हैं, एक तो नॉर्मल ग्लास की पट्टिका होती है, एक तो कांच की ट्यूब होती है, कांच का पट्टिका होता है नॉर्मल सामान्य ग्लास, नाम सामान्य कांच, दूसरा हाफ वेव प्लेट लेते हैं और दोनों की त्रिज्या बराबर रहती है, रेडियस बराबर रहती है, तो दोनों को चिपका देते हैं। ठीक है, क्लियर है? इनका जो प्रकाशिक एक्सिस है वो ऐसे फलक के समांतर है, फलक मतलब फेस के, तो ये इसके समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करें, क्रियाविधि कार्यविधि या वर्किंग कुछ भी बोल लो, तो उसके लिए हम लोग बात करते कि एक मान लो इधर से जो प्लेन पोलराइज लाइट आ रही थी, समतल ध्रुवित प्रकाश आ रहा था, वो ऑप्टिकल एक्सिस से थीटा कोण बनाते हुए आ रहा है। अब सुन लो इसकी कार्यविधि दोबारा, पहला पॉइंट थीटा एंगल से आ रहा है। अब जो थीटा एंगल से आ रहा है तो क्या होगा, ये इस तरीके से बना दिया हमने। अब हम लोगों को पता है कि ये तो सिंपल कांच वाला पार्ट है, ये इधर वाला तो सिंपल कांच का भाग है, ये तो इसमें से तो जैसे आया था वैसे वैसे जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ओपी जैसा है वैसा का वैसे रहेगा, तो मैंने ओपी बना दिया कि ये कांच से तो ऐसा कैसा निकल के आ जाएगा ओपी। लेकिन ये जो हाफ वेव प्लेट है इसका इफेक्ट आएगा बाकी दूसरे पे, तो इसका तो इफेक्ट देख लिया उधर चला गया, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, ये ओपी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ओ रे में ई रे में। क्यों? क्योंकि ये क्वार्ट्ज का बना हुआ हाफ वेव प्लेट अर्ध तरंग पट्टी का है, तो वो द्विअपवर्तक पदार्थ है, डबल रिफ्रेक्टिव मीडियम है, तो इसमें क्या होता है, ओ रे में ई रे में डिवाइड हो जाएगा, तो ओ रे में और ई रे में जब टूटता है तो एक ओ रे इधर बन गया, ई रे इधर, ई रे प्रकाशिक एक्स की दिशा में होता है, ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, तो जो ओ रे है ओ रे का एंगल भी फ्लिप हो जाएगा, मतलब ये 180 डिग्री से घूम भी जाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ वेव प्लेट का काम यही होता है, पाई का कलांतर उत्पन्न कर देता है या लैम्डा बाई टू का पथांतर, लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करता है या पाई का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, तो ये पाई का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा, तो ये इधर जो बनने वाला था वो इधर बन जाएगा, तो ये ओरे जो है वो इधर बन गया ई रे ऊपर है। अब ई रे और ओरे का जो रिजल्टेंट है जो एक्चुअल में आएगा वो यहाँ पे बन गया ओ क्यू, और वो इस तरीके से बनता है कि ये थीटा एंगल से था तो ये भी थीटा एंगल से। तो इस अर्ध पट्टिका की वजह से ये इधर वाला अर्ध वृत्ताकार भाग है जो हाफ वेव प्लेट की तरह काम कर रहा है, तो इस हाफ सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से हाफ वेव प्लेट, उसकी वजह से क्या होता है ये ओ क्यू मिल जाता है। तो एक तो ओपी तरंग मिल गया, एक ओक्यू मिल गया, दो समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाते हैं, दो प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है, एक तो ओपी एक ओक्यू, ठीक है, ये मिल जाता है अपने को। ये दोबारा बना देता हूं मैं, अब इसको इसके आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हमारे को ये मिला कि जैसे ये सर्कल था अपने पास में, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, यहां से हमने एक ये OP हो गया, ये ओ क्यू हो गया, ठीक है, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, क्लियर है? अब हम लोग ये तो ओ है, अब हम ये ए, ये ओ, ये बी, अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहां तक का काम कंप्लीट हो गया, अब विश्लेषक का काम है, अब मेजर करने का काम है, मापन करें, तो जो विश्लेषक है सामने, जो निकोल प्रिज्म का मान लो या विश्लेषक पोलेरॉइड का मान लो, किसी का मान लो, निकोल प्रिज्म का मान सकते हैं हम लोग,
तो उसको क्या करेंगे, उस निकोल प्रिज्म का या जो भी है पोलेरॉइड लगा हुआ, सामने जो विश्लेषक लगा हुआ एनालाइजर, उस एनालाइजर में एक डायरेक्शन तो ऐसी होगी जिसमें से प्रकाश पास होगा। जैसे मान लो एनालाइजर है, ये विश्लेषक है, तो ये इस तरीके से मान लो उसका एक्सिस होगा। पोलेरॉइड में क्या सिंपल से समझ में आ जाएगा, तो अगर कोई लाइट आएगी तो लाइट कैसी पास होगी, ऐसे आडी जो जाने वाली लाइट है वो इसमें से पास हो जाएगी। ये पोलेरॉइड है, ये एनालाइजर है, ठीक है, तो इसमें से ये लाइट पास हो जाएगी जो ऐसे आ रही है, तो इससे जो लाइट निकलेगी वो ऐसे निकलती जाएगी, इस तरीके से लाइट निकलेगी, ठीक है। तो हम लोगों के पास में ये जो मिला था, इसके सामने एनालाइजर लगा हुआ आगे। अब ये जो एनालाइजर से लाइट निकले, तो उसके लिए जो ये जो है इसका जो एक्सिस है, एक तरीके से इसको बोलते हैं, मैं मुख्य परिच्छेद बोल रहा हूँ, मैं इसको मेन सेक्शन है ये एक तरीके से। तो इसका जो सेक्शन है, ये जो मुख्य परिच्छेद है, अगर ये इसके पैरेलल हो, ये जो है जिसे इसको बोल लो A1O A2 बोल लो, अगर A1O A2 के पैरेलल हो ये इसका मुख्य सेक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो लाइट आएगी यहां पर वही पास होगी। अब इधर कौन सी लाइट आ रही है, हमारे पास यहां तक जो लाइट आ रही थी वो एक तो OP था, एक OQ था, लेकिन OP OQ पूरा पास नहीं होगा। OP का देखो, OP का अगर मैं यहाँ पे घटक ले लूँ, यहाँ पे इस एक्सिस पे, तो इसका घटक ये OE बोल लेता हूँ, इसका यहाँ पे जो कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट आ गया, इसका OE' बोल लेता हूँ। तो अगर पहला केस, अगर ये विश्लेषक, ये जो एनालाइजर है, इसका जो मुख्य एक्स है, मुख्य परिच्छेद है, इसका जो मेन सेक्शन है, वो अगर A1O A2 के समांतर है, यहाँ पर है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन में जो लाइट आएगी उसको ही पास करने देगा ये, तो अगर इसके समांतर है वो, तो हमारे पास में कौन सी लाइट पहुँचेगी, इसका तो ये हिस्सा OE इतना, और इसका ये वाला घटक इतना OE', ये दोनों घटक पहुँचेंगे, तो लाइट कितनी पास होगी, उधर से OE और इधर से OE'। और क्योंकि ये एंगल थीटा थीटा बराबर है, तो ये कंपोनेंट, ये घटक भी बराबर बराबर आएंगे, तो OE और OE' बराबर बराबर होंगे, तो दोनों तरफ से बराबर बराबर लाइट पहुंचेगी, ठीक है। पहले केस में ऐसा आएगा, रिपीट कर रहा हूं, जब ये वाली एंगल पर लाइट को पास होने देते हैं, तब ये वाले एंगल का मतलब हो गया कि इधर इस एंगल पर जो लाइट आ रही है इस के समांतर इस रेखा पर, उसको पास होने दे रहे हैं, तो इसको लिखे से रहे कि इधर इसका जो मुख्य परिच्छेद है वो अगर यहां पर हो, तब इसका ये घटक पास होगा, इसका इतना ही घटक, इसका ये कंपोनेंट, तो OE और OE' ये दोनों बराबर होंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि थीटा थीटा बराबर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसका मुख्य परिच्छेद यहां पर नहीं, इसके समांतर नहीं होगी, अगर इसका मुख्य परिच्छेद ऐसे है, अगर इसका मुख्य परिच्छेद ऐसे हो, दोबारा बनाते हैं हम लोग, अगर इसका मुख्य परिच्छेद जो है वो ऐसा है, कहीं ऐसे नहीं होके ऐसा है, इसको कुछ भी लिख सकते हो आप, A1O A2, या इसको A3O A4 जो इसमें लिया है वो मैं बोल देता हूँ, मैंने क्या लिखा था मेरे को भी याद नहीं है अभी, ये हमने इसको लिख रखा है A3A4 ले रखा है मैंने इसको, A3A4 वो लिख देते हैं A3A4। तो इसका मुख्य परिच्छेद अगर इस डायरेक्शन में हो, इसका जो मेन सेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन वाली लाइट को पास होने देगा। तो देखो, तो इसके जो कंपोनेंट है, अब कंपोनेंट निकालो इसके, अच्छा टाइम हो गया कि ऑलमोस्ट 1 सेकेंड 20 सेकेंड बचे हैं इसको कंप्लीट। तो इसके जगह इसका घटक यह आएगा OE', और इसका घटक देखो ये OE। इस सिचुएशन में OE' ग्रेटर होगा OE से, तो इधर वाली लाइट ज़्यादा पास होगी, इधर कम पास होगा, मतलब बाय